दोस्तों बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि जिस प्रकार ये जो शैवाल आ गया कहाँ है, ठीक ना, आप सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं तो इसको हटाना कैसे है। देखिए ये ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। इसे ही कुआं में दिया जाता है जीवाणुओं को मारने के लिए, सिर्फ इसी प्रकार देना है आपको। और करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस इसको यूँ लाइए और इसको मिला दीजिए, ठीक। और कुछ देर बाद देखिएगा कि ये जो है आपका पूरा का पूरा साफ हो जाएगा, पूरा का पूरा शैवाल जो है कहाँ, ठीक ना, साफ हो जाएगा। तो इसी से आप कर सकते हैं, एक नंबर साफ हो जाएगा। कुछ देर छोड़ देना है, उसके बाद आपको इसको वॉश कर देना है पानी से। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि हमारे बाथरूम में या फिर घर में जो है आंगन में इस प्रकार का काय बैठ जाता है, ठीक ना, काय जिसे आप शैवाल कहते हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, ये जो मैं दे रहा हूँ इसका नाम है विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, आपको दे देना है इसी प्रकार, ठीक। और कुछ देर देके इसको छोड़ देना है, दुकान में 10 रुपये मिल जाएगा, ये 10 रुपये का ही पैकेट है, यहाँ पे देख सकते हैं, या इसमें इस प्रकार का लिखा भी होता है हिंदी में, ठीक, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं, इसी को कुएँ में भी दिया जाता है जीवाणुओं को मारने के लिए, ठीक, पानी को शुद्ध करने के लिए। तो इसी को दे देना है, उसके बाद 2 घंटे तक छोड़ देना है, इसको 2 घंटे तक छोड़ देना है। और इसको क्या करना है, उसके बाद आपको मिला देना है, 2 घंटे के बाद इसको इसी तरह छोड़ दीजिए और उसके पश्चात ये ब्लीचिंग पाउडर रख दीजिए और 2 घंटे बाद इसको वॉश करना है। तो चलिए अब हम बाद में दिखाते हैं इसको 2 घंटे बाद। तो दोस्तों अभी 7 ही मिनट हुआ है, 7 मिनट ओनली, अब हम इसको दिखाते हैं, ठीक ना, सफाई करके। वैसे आपको 2 घंटा रखना है और इस प्रकार मिला देना है और इसको अपने घर, टॉयलेट रूम, लेटरिंग रूम, वॉशरूम जितना भी है सारा को क्लीन कर लेना है, क्योंकि फिसल जाने से ना पैर हाथ टूटने, क्रैक होने का डर रहता है, और हो गया तो फिर डॉक्टर घर के चक्कर लगाइए। इसलिए 10 रुपये खर्चा करके आप अपने घर परिवार को स्वस्थ रखिए, ठीक ना, और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिए। अक्सर मुझे कोई आदमी कहता है, एक दोस्त कमेंट किए थे, मालूम विशाल या कुछ नाम था, कि भाई आप तो कभी मोटिवेशनल पे टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, कभी हेल्थ पे, कभी एडुकेशन पे, तो आप कट एम क्या है। तो मैंने बताया कि मेरा एम कोई नहीं है, मैं कोई ज्ञानी व्यक्ति या फिर कोई स्पेशलिस्ट व्यक्ति नहीं हूँ, ठीक ना, मैं वास्तव में अपने क्या बताऊँ, जो समग्र चीज़ होता है ना, सभी चीज़, बस वही चीज़ मैं देना चाहता हूँ। मैं कोई विद्वान या ज्ञानी बाबा वगैरह नहीं हूँ, ठीक ना, तो एक दोस्त की तरह आप समझिए, एक आम आदमी की तरह। और इसको देखिए वॉश कर देना है, विरंजक चूर्ण को मिला देना है। विरंजक चूर्ण आपको मालूम ही होगा इसका सूत्र, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। एकदम इस तरह प्रकार घिस दीजिएगा ना, उसके बाद अभी दिखाता हूँ, लाइन पे बने रहिएगा, ठीक ना। और क्या करना है आपको, विरंजक चूर्ण इसका उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर का बहुत सारा उपयोग है, ठीक है। 5-10 रुपये में गांव के लोगों को अक्सर मालूम नहीं होता है, वैसे तो मैं भी गांव से ही हूँ, तो ये मैं कर दे रहा हूँ अभी, मैं फ़िलहाल इसको अपने गांव के जो सार्वजनिक चापानल है उन सभी में जा कर के दूंगा, ठीक ना। तो देखिए ये सफाई कर रहा है, देखिए यहाँ पे मैं सामने करके दिखा रहा हूँ, देखिए किस प्रकार शैवाल सब नीचे जा रहे हैं, ठीक ना, जा रहे हैं। बस इसको 2 घंटा रखना है ना, सारा कुछ साफ हो जाएगा। आप पहले वाले वीडियो में और अभी के वीडियो में देख रहे होंगे कितना डिफरेंट है। तो इस प्रकार अगर आप रात को दे देते हैं और सुबह को अगर इसको सफाई कर देंगे ना, तो पूरी तरह से सफाई हो जाएगा। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिर्फ शैम्पू दिखाया हूँ, ठीक ना, ये सारा कुछ चला जाएगा, जितना देख रहे हैं ना सारा चला जाएगा, देखिए चला गया ना। बस कुछ नहीं करना है, परिवार की सेफ्टी के लिए थोड़ा बहुत मेहनत तो करना पड़ेगा। इस प्रकार इसको थोड़ा सा और ब्लीचिंग पाउडर देके अच्छे से रात को दे दीजिए और सुबह को सफाई कर दीजिए, सारा कुछ चला जाएगा। देखिए देखिए बहता हुआ आपको दिख रहा होगा शैवाल सारे, ठीक ना। तो इसी प्रकार होता है विरंजक चूर्ण का कमाल, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का कमाल होता है ये। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको कुछ नॉलेज दिया होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू। तो ये तो हो गया साफ, अब चलिए हम बताते हैं कि कुएं में इसका इस्तेमाल किस प्रकार करना है, ठीक ना। तो देखिए ये विरंजक चूर्ण है, अब चलिए कुएं की ओर चलते हैं।
तो ये हमारा कुआं और इसमें जो है विरंजक चूर्ण को इस प्रकार डालना है। ठीक, वैसे तो ऑलरेडी हमारे कुएं में विरंजक चूर्ण डाला हुआ है तो मैं अभी डालूंगा नहीं, बस इस प्रकार बता दिया कि सावन के महीने में अक्सर जो जुलाई अगस्त का महीना होता है उसमें जो है कुआं पानी से भरा जाता है। ठीक, तो आपको उसी समय देना है और कुएं के जो साइड साइड होते हैं इस साइड पार्ट्स इसमें भी आपको दे देने हैं। अगर आपकी कुआं प्लास्टर नहीं किया गया है तो, और प्लास्टर है तब तो बहुत ही अच्छा, जहाँ भी काएँ आए ठीक ना वहाँ पे आपको देना है। इसके अलावा विरंजक चूर्ण का उपयोग कपड़ों के विरंजन के लिए लॉन्ड्री वगैरह में किया जाता है। ठीक, और साथ ही इसका टेक्सटाइल में भी उपयोग किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण के बहुत सारे उपयोग हैं और कई कई उद्योगों में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हाँ, कुएं में जब आप विरंजक चूर्ण को डालें तो हो सके तो चूना भी उसके साथ मिला दें। ठीक ना, चूना जो पान की दुकान में मिलता है वो चूना।